वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने विदेश मंत्री का पुतला दहन किया, विदेश नीति को लेकर बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप। भोपाल, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में भारत सरकार लगातार भारतीय छात्रों की वतन वापसी करा रही है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर का पुतला दहन किया। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के सामने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध में भारत की विदेश नीति फेल होने का आरोप लगाते हुए विदेश मंत्री का पुतला जलाया। युवा कांग्रेस ने इस दौरान मोदी सरकार पर यूक्रेन रसिया युद्ध में फंसे लोगों की सुरक्षा को लेकर सही प्रबंध न करने के आरोप भी लगाए। युवा कांग्रेस ने इस दौरान बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देखिए, आज युवा कांग्रेस यहाँ पे विदेश मंत्री का पुतला दहन कर रही है, जो अपने भारतीय नागरिक मध्य प्रदेश के छात्र, पूरे देश के छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं। वहाँ पर जब हमारे यहाँ के छात्र को गोली लगती है और हत्या होती है, तो यहाँ दूसरी तरफ प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त होते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो जो सिंधिया जी का आया है, वो इस बात का सबूत है कि यहाँ हमारे देश के जो मंत्री श्रेय लेने के चक्कर में यूक्रेन, रोमानिया में जाके वहाँ पे राजनीति करते हैं, कि हम यहाँ के छात्रों को निकालने की बात करते हैं। सच्चाई यह है कि इनके मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी कि आप यूक्रेन से रेकीव तक आ जाओगे तो वहाँ से हम आपको सुरक्षित लाएंगे। बात ये हो रही है कि जो यूक्रेन में कीव में बच्चे फंसे हुए हैं, जिनके पास खाने की व्यवस्थाएँ नहीं है, रहने की व्यवस्थाएँ नहीं है, वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, उनको कौन लाएगा? सच बात तो यह है कि सरकार के पास सही आंकड़े नहीं है कि हमारे देश के कितने छात्र वहाँ पे पढ़ने गए थे और कितने नागरिक नौकरी करने गए हैं। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं निवेदन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि उन बच्चों की लाशों पर राजनीति करना बंद करें। एक कर्नाटक के भाजपा विधायक ने ये बोला कि जितने में एक स्टूडेंट की लाश आ रही है, उतने में कम से कम 7-8 लोग छात्रों की वापसी हो जाती। तो मैं इसका कड़ी निंदा करता हूँ और आग्रह करता हूँ उन बच्चों की लाशों पर राजनीति करना बंद करें और जो सुरक्षित वहाँ पे छात्र हैं उनको सुरक्षित वतन वापसी किया जाए।